गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश में लेसन 14 करेंगे। यूज ऑफ ए एंड एन। हम किसका प्रयोग करना सीखेंगे आज? हम ए और एन का, ठीक है। वी यूज ए बिफोर द नेमिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। हम व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले क्या लगाते हैं बच्चों? ए, ठीक है। वी यूज एन बिफोर द नेमिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड। ए ई आई ओ यू, वॉवल से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले क्या लगाया जाता है बच्चों? एन, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ दिया है साइकिल। साइकिल हमारा का, साइकिल का हमारा सी क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। इससे पहले हमने क्या लगाया? ए, ठीक है। अब दिया है एप्पल। एप्पल का ये क्या है स्टार्टिंग का वर्ड? ए, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। अब यहाँ दिया है बॉल। बॉल हमारा बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए। ओ हमारा वॉवल है, तो वॉवल के आगे हमने क्या लगाया? एन, ठीक है। जी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो उसके पहले हमने क्या लगाया? ए। ओ हमारा वॉवल है, तो हमने इससे पहले क्या लगाया बच्चों? एन, ठीक है। टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स, तो इससे पहले हमने क्या लगाया बच्चों? ए। यू हमारा वॉवल है, तो हमने इससे पहले क्या लगाया बच्चों? एन। अब देखो, एल हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स, और इससे पहले हमने क्या लगाया? ए। और ई हमारा वॉवल है, तो हमने इससे पहले क्या लगाया बच्चों? एन, ठीक है। अब क्वेश्चन है ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। रिक्त स्थान को पूरा करें, जैसे आपको एग्जांपल में एक करके दिखाया है। देखो, ए हमारा क्या था? वॉवल, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या लगाया? एन, ठीक है। ओ हमारा क्या है? वॉवल, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन। बी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? ए। ई हमारा क्या है बच्चों? वॉवल, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। ए हमारा क्या है बच्चों? वॉवल, तो हम इससे पहले क्या लगाते हैं? एन। वी हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट्स, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? ए। बी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? ए। ई हमारा क्या है बच्चों? वॉवल, इससे पहले हम लगाएंगे एन। देखो, ए हमारा क्या है बच्चों? वॉवल, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। अब ऐसे ही 10 से लेके 18 तक आपको करना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए एंड एन। क्या करना है बच्चों? हमें ए और एन का यूज़ करके वाक्यों को पूरा करना है, ठीक है। फर्स्ट दिया है आई सा डैश एरोप्लेन इन द स्काई, ठीक है। अब हम देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया है? ए। ए से पहले क्या आता है बच्चों? वो ए हमारा क्या है? वॉवल, तो ए से पहले क्या आएगा? एन, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओल्ड लेडी हैज डैश कैट। ये क्या है? कैट, तो क्या है हमारा? ये कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो हम इसके पहले लगाएंगे ए, ठीक है। फिर है डैश आउल, ये हमारा ओ क्या है? वॉवल, तो ये आएगा एन। फिर है डैश काउ, सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, तो आएगा ए। फिर है एंड डैश एस, ये हमारा एस क्या है? ए क्या है हमारा? वॉवल, तो हमारे यहाँ आएगा बच्चों एन, ठीक है। ओल्ड लेडी हैज अ कैट एन आउल अ काउ एंड एन एस, ठीक है। बूढ़ी औरत पे एक बिल्ली, एक उल्लू और एक गाय और एक गधा है, ठीक है। अब थर्ड है माई फादर बायस डैश पेंसिल डैश इरेजर एंड डैश शार्पनर फॉर मी। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में क्या है? ये पी। पी से पी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले क्या आएगा बच्चों? ए। अब नेक्स्ट क्या है इरेजर का? ई। ई हमारा क्या है? वॉवल, ये आएगा एन। अब शार्पनर, शार्पनर का ये एस हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो इससे पहले क्या आएगा बच्चों? ए, ठीक है। माई फादर बायस अ पेंसिल एंड इरेजर एंड अ शार्पनर फॉर मी। मेरे फादर मेरे लिए एक पेंसिल, एक रबर, एक शार्पनर खरीद कर लाए हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट है फोर्थ, देयर इज डैश मंकी। एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले क्या आएगा बच्चों? ए। देयर इज अ मंकी डैश टाइगर। टी हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। इधर भी आएगा ए, ठीक है। डैश ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का ओ हमारा क्या है बच्चों? वॉवल। यह आएगा एन। डैश एलिफेंट। ई हमारा क्या है? वॉवल। इससे पहले क्या आएगा बच्चों? एन, ठीक है। डैश डियर। डी हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। यह आएगा ए। एंड डैश एलिगेटर। या ए हमारा क्या है बच्चों? वॉवल। यह आएगा एन। एलिगेटर इन द जू। देयर इज अ मंकी अ टाइगर एन ऑस्ट्रिच एन एलिफेंट अ डियर एंड एन एलिगेटर इन द जू। एक बंदर एक शेर और एक शुतुरमुर्ग है। एक हाथी और एक हिरण चिड़ियाघर में है, ठीक है। फिफ्थ है माई मदर ब्रिंग्स डैश एप्पल। ए हमारा क्या है बच्चों? वॉवल है। इससे पहले आएगा एंड। ऑरेंज का ओ हमारा क्या है बच्चों? वॉवल। इससे पहले आएगा एंड। अब है बनाना। बनाना का भी हमारा कॉन्सोनेंट्स है तो यह आएगा ए। वाटरमेलन का डब्ल्यू हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। यह आएगा ए। आइसक्रीम का ये आई हमारा क्या है? वॉवल है। यह आएगा एन। माई मदर ब्रिंग्स एन एप्पल एन ऑरेंज अ बनाना अ वाटरमेलन एंड एन आइसक्रीम फॉर मी। मेरी माँ एक सेब एक संतरा एक केला और एक तरबूज एक आइसक्रीम मेरे लिए लाई है, ठीक है। अब है क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। रिक्त स्थान को भरना है हमें किसका यूज़ करके? ए और एन का यूज़ करके। हेलो आई एम डैश मंकी। एम हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। यह आएगा ए। हेलो आई एम अ मंकी। हेलो मैं एक बंदर हूँ। फिर है हेलो आई एम डैश एलिफेंट। ई हमारा क्या है बच्चों? वॉवल। वॉवल के साथ क्या लगाते हैं? एन। हेलो आई एम एन एलिफेंट। हेलो मैं एक हाथी हूँ। फिर नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट डैश बनाना। बी हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। यह आएगा ए। डू यू वॉन्ट अ बनाना। क्या है आप एक केला चाहते हो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट येस थैंक यू हेयर इज डैश आइसक्रीम फॉर यू। धन्यवाद आपके लिए यहाँ एक आइसक्रीम है। तो आई हमारा क्या है बच्चों? वॉवल है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन डी, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। आपको सही शब्द पर क्या करना है? गोला लगाना है, सर्कल करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट है द क्वीन वियर्स अ क्राउन एंड क्राउन। देखो सी हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या आता है? ए। तो ये राइट है, इस पर हम क्या करेंगे? सर्कल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आई ईट अ एप्पल एन एप्पल। मैं एक सेब खाता हूँ। तो एप्पल देखो बच्चों, ए हमारा क्या है? वॉवल। वॉवल के साथ क्या लगाते हैं हम? एन। तो ये हमारा राइट है, इस पर हम सर्कल लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है शी हैज़ एन अम्ब्रेला अ अम्ब्रेला। उसके पास एक छतरी है। तो देखो बच्चों, यू हमारा क्या है? वॉवल है। वॉवल के साथ हमने एन लगाया, ये हमारा राइट है, हम इस पे सर्कल लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ है द टॉर्टॉइस लीव्स इन एन शेल ए शेल। ऐसा हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के साथ एन लगाते हैं? नहीं, ए शेल ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है शी सीज एन एलिफेंट। वह एक हाथी देखती है। तो देखो बच्चों, ई हमारा वॉवल है। वॉवल के साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है, ये राइट है, इस पर हम सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट है द चाइल्ड ईट्स अ आइसक्रीम एन आइसक्रीम। आई हमारा वॉवल है। तो वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? ए या एन? एन।
एन आइसक्रीम, क्या आएगा बच्चों, एन आइसक्रीम, तो ये हमारा राइट है, हम इस पर स्टिक करेंगे बच्चों, ठीक है। जय हिंद बच्चों।